हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समथिंग न्यू चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने ये साबूदाना है वो पहले से ही भिगो के रख दिए थे। 3-4 घंटे हमें उसको भिगोना है। अभी आप देख सकते हो ये एकदम खिले खिले नजर आ रहे हैं। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने साबूदाना डाल दिया है। अभी ये साबूदाना है उसके अंदर हम ये बॉईल किया हुआ पोटैटो है जो मैंने ऐसे क्रश कर दिया है वो हम डालेंगे। इसके अंदर मैंने ये मूंगफली है और इसके अंदर जीरा, मूंगफली और जीरा दोनों मैंने फ्राई कर दिया था और ये जो पाउडर बना है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मूंगफली है वो मैंने पहले से ही क्रश कर दी थी। बाद में ग्रीन चिली डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्रीन चिली ही लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद आता है तो आप ज्यादा ग्रीन चिली भी ले सकते हो। और फिर धनिया, यहाँ पे मैंने धनिया डाली है, फिर 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। आपको फास्ट के लिए बनाना है तो आप हल्दी है वो अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। फास्ट में आप हल्दी खाते हो तो आप हल्दी भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने रेड मिर्च पाउडर भी लिया है, आपको उसे भी स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। और फिर जीरा जो मैंने मूंगफली के साथ ही डाल दिया था एट अ फ्राई टाइम, बट अभी आपको अलग से डालना है थोड़ा तो डाल सकते हो। अभी ये सब मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर हमें चॉप किया हुआ अदरक है वो डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, और लेमन जूस डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों चीजें स्किप कर दी है। अभी आपको इसके इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लेके उसका बॉल बनाना है। इसी तरह से हम उसको बनाएंगे। आपको जो भी शेप में बनाना है वो शेप में आप मोल्ड लेके बना सकते हो। फिर हमें उसको हल्के से ऐसे प्रेस कर देना है। बड़ा छोटा आपको जैसा भी पसंद है वैसा आप बना सकते हो। तो अभी मैंने ये रोल बना के एक प्लेट में निकाल देने हैं। इसी तरह से हमें सबके ऐसे ही रोल बना देने हैं। देख सकते हो कितना अच्छा वो टेक्सचर दिख रहा है। उसको इसी तरह साइड में से भी हमें अच्छे से कवर कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये अच्छी तरह से उसका ये टेक्सचर है वो बना दिया है। अभी ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ये ऑयल भी गरम हो चुका है। अभी हम इसके अंदर ये जो वड़ा है वो हम डालेंगे। स्लो फ्लेम रखेंगे हम।
यहाँ पे मुझे दो तीन बड़े ही डालने हैं वरना वो आपस में चिपक जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो साबुदाना वड़ा है वो बनके रेडी हो गया है, जो मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू सी मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।